बदायूं से हैं। रमा जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी हाँ जी मैडम जी नमस्ते, सर जी जी नमस्ते। नमस्कार, आदाब। मैं ये कह रही थी आपके सारे प्रोग्राम और सारे नुस्खे मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे बहुत फायदा हुआ हकीम जी आपके सारे नुस्खों से। और मैं अब ये कह रही हूँ कि मैं लहसुन भी खाती हूँ और जैतून का आपने सिरका बताया था वो भी पीती हूँ, लेकिन मेरे सारी तरफ से चर्बी तो कम होती जा रही है, लेकिन एक साइड कूले एक तरफ से कूले पे चर्बी कम नहीं हो रही, वो थोड़ा मोटा ही लगता है। उसके लिए क्या करूं मैं? और आपके प्रोग्राम आपके इलाज सारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। सारा दिन मैं तो जब भी प्रोग्राम आता है तब भी देखती हूँ, तो आप मुझे कुछ उपाय बताइए। और हमारी मम्मी का नमक कम हो जाता है, उसके लिए बताइए कि क्या करना है। पहले भी मैंने पूछा था लेकिन तफाक से वो लाइन भी फोन कट गई और ऊपर से हमारी तरफ की लाइट चली गई, तो आप कृपया बताइए कि क्या करना है हमें दोनों के लिए। जी हाँ, देखिए आप हमारे साथ जुड़ी भी हैं और आप जैसे लाखों व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं, वही मेरी ताकत हैं जो उन नुस्खों को बनाते हैं और प्रयोग करते हैं, फिर सबको बताते हैं कि ये दवा इसके काम की आती है, नकली असली भी पहचानते हैं। आजकल बड़ा मसला हो गया कि लोग नकली दवाएं बहुत देने लगे। जो भी मैं बताता हूँ वो सब मैंने देखा तो मैं बहुत परेशान हूँ दो दिन से। आज तो ख़ास तौर पर कि जैतून का सिरका भी नकली बना लिया लोगों ने और गौनसिया भी नकली बना दिया और जाने क्या क्या नकली बना लिया होगा। तो अपनी मम्मी को नमक जैतून, नमक आता है जैतून का बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, जैसे आपके डब्बे में किचन में नमक भरा रहता है हमारे भी भरा रहता है, दिखता वैसा ही है लेकिन खाने में नमकीन नहीं होता, हल्का सा कड़वाहट या खारापन, पानी मिलाएंगे तो हल्का सा खारा हो जाता है पानी, पता भी नहीं चलता। एक दो चुटकी रोज़ाना उन्हें पानी मिलाकर दे दिया करें, दूध में मिलाकर दे सकते हैं बगैर चर्बी के, तो उनका नमक में फ़ायदा मुमकिन है। और ये चर्बी है ये सबसे आखिर में जाएगी, जिस जगह का आप बात कर रहे हैं वो ज़िद्दी चर्बी है, जो आसान चर्बी थी वो तो पिघलने लगी, और एक मुश्किल चर्बी जो ज़िद्दी होती है ज़्यादा सख्त हो जाती है, उसमें ज़रा टाइम लगता है। 5 बार गर्म पानी पीजिए और जो भी चर्बी का आप ले रहे हैं वो लेते रहिए, पैदल भी चला करिए, और चर्बी थोड़ा खाना कम कर देने से भी कम होती है। तो आप अगर चाल चुड़े, देखिए मेरा पेट नहीं है बिल्कुल, मेरा पेट भी निकल ही आया था, बैठा रहता हूँ कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे, तो फिर मैंने भोजन इस तरह किया, सुबह को एक प्याली दाल, दोपहर को भी एक प्याली दाल और शाम को मुख्तसर खाना, थोड़ा सा खाना। मैं इतना यानी 50-100 ग्राम रोज़ वज़न कम होता है और चर्बी सबसे पहले पिघलती है। इसके लिए वैसे कैप्सूल एफ केयर भी आता है, एफ फॉर फैट, कैप्सूल एफ केयर अगर एक एक सुबह शाम लिया जाए डाइट कंट्रोल के साथ तो भी बहुत फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।